वेलकम दोस्तों टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। आज का शो जो है थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम हमेशा स्टूडियो में शूट करते रहे, पर आज का शो जो है हम शूट कर रहे हैं ऑनलाइन। तो थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, पर नया भी है, और इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँगा थी, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जब इतनी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ो तो आपका मन करता है कि आप उसके लेखक से, उसके राइटर से बात करें, क्योंकि उस गहराई को आप तभी समझ सकते हैं। अब वो चीज़ समझने के लिए ना भाई, ये लेखक साहब बैठे हैं दुबई में और हम बैठे हैं दिल्ली में, तो कनेक्शन कैसे हो? तो हमने यूज़ किया अपने डिवाइसेस का इस्तेमाल और कोशिश की है कि एक अच्छा कन्वर्सेशन, एक अच्छी थ्योरीज निकाल के लाए हम इस वीडियो से। वैसे भी इन लेखक को मैं बचपन से जानता हूँ क्योंकि ये मेरे शहर सागर से बिलोंग करते हैं। हमारे बुंदेलखंड भाइयों को नमस्कार। तो ये बुक है मुक्तिधाम, लिखी है कार्तिकेय शास्त्री ने। ये हमारे शहर, मैं आज थोड़ा हिंदी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये हमारे शहर के हैं, ये हमारे कस्बे के हैं, हमारे गांव के हैं, बल्कि हमारे मोहल्ले के भी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं कार्तिक शास्त्री को हमारे शो पे। कार्तिक, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरी पॉडकास्ट। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपसे, अपने घर के किसी से जुड़ने के बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा है, और आपकी तरक्की जो देखकर इतनी खुशी है दिल में। सो सागर का वो जो नाम उतना ऊपर पहुँचते हुए देख रहा हूँ, आज आपके सब्सक्राइबर देख रहा हूँ, आपका इंस्टाग्राम देखो, तो जो उस चीज़ से जो जुड़ने का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा है, और मतलब दिल से बहुत खुशी है इस बात को। तो आपको सबसे पहले बधाई है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत कीमती टाइम। मैं जानता हूँ आपके बैक टू बैक शेड्यूल हैं, आपके पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़, उसमें भी आपने मुझे ऑनलाइन इतना टाइम दिया, तो उसके लिए थैंक यू कार्तिक। मैं बताऊँ आपको जी, मतलब हम, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हमारे सागर के और भी कई कलाकार हैं, मतलब अनगिनत कलाकार हैं, हर कोई अगर कुछ है आज की डेट में, तो मैं, मेरा एक विश्वास है कि मैं सागर शहर का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, वहाँ की मिट्टी में एक खास बात है कि वहाँ पे ना एक एक सरलता, एक सभ्यता और एक सीख है जो हर किसी में, वहाँ के लोगों में है, ये मैं महसूस करता हूँ। मेरा भी अब जाना काफ़ी कम होता है, पर इच्छा यही करती है कि यार एक दिन ऐसा हो जाओ वापस सागर पहुँच जाओ। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं जो सागर शहर नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। सागर शहर मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास है, बहुत ही सुंदर शहर है। पढ़ाई लिखाई अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, अपने तालाब के लिए फेमस है, अपने लेक के लिए फेमस है। तो कभी किसी को मौका लगे तो जाइए, वहाँ पे लोग बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, तो कार्तिक, इससे पहले कि हम आगे कंटिन्यू करें, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें पहले इस पॉडकास्ट में व्यूअर्स के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा नाम है कार्तिक शास्त्री, मैं सागर शहर से बिलोंग करता हूँ, बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। तो हम बिल्कुल, पहली बात तो हम यूज़ करके हम खुद को डिनोट करते हैं, तो पहली बात तो वी कम फ्रॉम द लाइक हार्ट ऑफ इंडिया, एंड देन हार्ट ऑफ इंडिया वी हैव मध्य प्रदेश, एंड देन मध्य प्रदेश एंड हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वी हैव सागर। तो मतलब सागर बिल्कुल जो है हमारे सेंटर ऑफ इंडिया से आता है, और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई जो इंदौर से रही है, उसके बाद से मैं यहाँ दुबई में हूँ, तो पिछले 6 साल से दुबई में हूँ। और मेरा सिलसिला कुछ ऐसे चालू हुआ कि जब इंदौर में मेरी जॉब लगी, उस टाइम के आसपास से मेरा राइटिंग के प्रति रुझान बढ़ गया। बुक्स तो मैं हमेशा से रीड करता था, मैं 2012-2013 से बुक्स पढ़ते आ रहा हूँ, और हर साल मतलब बुक्स पढ़ना मतलब बहुत पसंद है मुझे वो। लेकिन होते होते जब एक बार जॉब लगी तो एक थोड़ा सा एक शिफ्ट आया, एक जो टाइम की जो कमी होने लगी अचानक से, पता नहीं उसने कहीं से वो एक गैप भरना शुरू किया, जहां मैंने पता नहीं कैसे न कैसे पढ़ते पढ़ते, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, लियो टॉल्स्टॉय हो, डॉस्टोवेस्की हो, किसी को भी पढ़ते पढ़ते बस वो एक अंदर वो रुझान आता गया आता गया, और बस कहानियों का दौर चला। और ऐसा हुआ कि एक फिक्शनलाइज अकाउंट हुआ मेरा, जो जिसको जिसके ऊपर मैंने बुक लिखी है, जिसका नाम है द नाइट आउट, वो एक पूरा फिक्शनलाइज अकाउंट है कि कैसे मैं और मेरे दोस्त रात को जाया करते थे, नॉट फॉर ड्रिंकिंग और एनी सॉर्ट ऑफ दिस पर्पसेस, लेकिन हम रात को जाया करते थे और पूरी रात हम साथ में बिताया करते थे, सुबह 6-7 बजे तक भी हम साथ रहा करते थे, एंड वील बी हिटिंग डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ द सिटी, कहीं यहाँ जाते थे, कहीं वहाँ जाते थे, कोई सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। तो यू नो, वहाँ से एक ओरिजिन मेरा स्टार्ट हुआ कि यार मुझे ये बुक के बारे में लिखना चाहिए, और मुझे ऐसा ऐसा टाइटल देना चाहिए, और मुझे नाइट को, नाइट से बड़ा मुझे हमेशा लगाव रहा है। मैं हूँ तो मॉर्निंग पर्सन मैं, लेकिन नाइट बहुत कुछ मैं भी प्रेफर करता हूँ।
और नाइट का वो जो प्रभाव था उसको मैंने द नाइट आउट में डाला है। और द नाइट आउट की खासियत ही ये है कि उसमें दोस्ती, उसमें हमारी जनरेशन जो है, हमारे जो हम जो मिलेनियल्स जी रहे हैं, जो जिस टाइप के हम स्ट्रेस से गुजरते हैं, जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ब्रेकअप्स हों, चाहे पैचअप हों, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो जूझते कैरेक्टर्स की एक कहानी है जो नाइट आउट, जहाँ से मेरा प्रॉब्ली राइटिंग करियर स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मैंने 2016 में बुक लिखना स्टार्ट की, लेकिन ना मेरे पास कॉन्फिडेंस था, ना मुझे पता था क्या करना है, बस जैसे तैसे मैं लिख रहा था। देन आई गॉट इन टच विथ नील डिसिल्वा, वुज अ वेरी फेमस पेंगुइन ऑथर, यू नो, फॉर हॉरर जॉनर इन अक्रॉस इंडिया, सो ही इज़ अ वेरी गुड ऑथर। सो उनके थ्रू टच में आने के बाद फिर मेरी प्रोसेस बढ़ती गई, मेरा रुझान और बढ़ता गया, और फिर एट द एंड जब मैं यहाँ आ गया और सेटल हो गया, तब मैंने सोचा कि नाउ आई एम गोइंग टू पब्लिश माई बुक। इट्स बिन मोर देन 5-6 ईयर, तो आई वॉज लाइक कि अब मैं इसको ज़्यादा देर नहीं टाल सकता, आई शुड गो फॉर इट। तो लास्ट ईयर June 22 में मेरी शादी हुई, और उसी महीने मैंने अपना पहला उपन्यास भी लिखा और पब्लिश किया उसी टाइम पर, जो द नाइट आउट द स्टोरी ऑफ फोर फ्रेंड्स, सब टाइटल्ड 6 Places 4 Friends 1 Long Night। वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, और भैया उसके बाद क्या हो कि बस वहाँ से बस मैंने सोच लिया कि अब मैं रुकने नहीं वाला। और पैरेलली मैं मुक्तिधाम भी कहीं ना कहीं लिख रहा था, जो मेरा सेकंड नॉवल है, जो मैंने लास्ट ईयर लॉन्च किया है। तो फर्स्ट नॉवल मुक्तिधाम, ना मुक्तिधाम पढ़ के एक बड़ी ना, मतलब मैं इस बुक को ना, मतलब मैं अगर रीडर्स को बताऊं तो मैंने शायद 3-4 घंटे में खत्म कर दी थी। मेरी रीडिंग स्पीड भी ज्यादा हो चुकी है पढ़ने के कारण, तो इसलिए भी मैं जल्दी खत्म कर ली। बट हाँ, मतलब बुक पतली है और बंधी हुई किताब है, मतलब कहानी बंधी हुई है और संवेदनशील कहानी है, तो आप वो कहना आप बंधे रहते हो कहानी से। और मैं अपने जमाने में ना आई लव्ड रीडिंग मुंशी प्रेमचंद, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ मुझे ना बहुत पसंद थी। तो इस बुक को पढ़ के ना जब मुझे वो टच मिला ना, वो फील मिला, तो मैं रुका नहीं, फिर मैं इस बुक को पढ़ता गया। और जो जो अंत है, जो लास्ट है, मुझे नहीं पता कि आपको, बल्कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप उस अंत में आपको क्या चीज ना, मतलब दिल को छूती है या सोचने में मजबूर कर देती है। मेरे को क्या सोचने में मजबूर करती है, वो उसकी वाइफ मर जाती है, वो ठीक है, वो खुद मर जाता है, ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं सब ठीक है, तो मेरा दिमाग पहले बच्चे पे जा रहा था कि उस बच्चे का क्या। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं ना थोड़ा सा एक बैकड्रॉप दूंगा, सॉरी मैं थोड़ा चीज़ों को ना डिस्क्राइब करके बताने की आदत है मेरी। तो बैकड्रॉप ये है कि ना, मेरी राइटिंग प्रोसेस इज एज सच कि बस एक ब्रॉड आइडिया, और उस आइडिया के बाद जस्ट स्टार्ट राइटिंग। मैं नहीं रुकता, मैं बस वो, पता नहीं आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप भी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑथर हैं, मेरे साथ ऐसा होता है कि बस वंस आई स्टार्ट हिटिंग द कीबोर्ड, वो उंगली रुकती नहीं मेरी, वो वर्ड्स गलत चले जाते हैं, पूरे ग्रामर इधर उधर होती है, सब कुछ यहाँ वहाँ होता है, बस लेकिन वो स्टोरी जो आती है वो मैं रोक नहीं सकता। तो जो स्टोरी बनती गई ना, उसका मैंने ना एंड उसका निर्धारित किया था, ना मैंने उसकी शुरुआत निर्धारित की थी। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वैसे ही मैंने एंड किया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका कैरेक्टर का क्या हुआ, उस कैरेक्टर का क्या हुआ, कहीं कहीं चीज़ों में मैं, यू नो, स्टीव जॉब्स का कहना है कि क्रिएटिव लोग गिल्टी फील करते हैं कि कैसे उन्होंने किस चीज़ का सिंथेसाइज किया। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं भी कभी कभी गिल्टी फील करता हूँ कि मैंने ये कैसे जोड़ ली कहानी, लेकिन वो आपका एट द एंड ऑफ डे आपका ओवरव्यू है, आपके लाइफ का ऑब्जर्वेशन का, वो जो आप डेली बेसिस पे आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस संवेदनशीलता से, जैसा आपने बोला मेरे नॉवल में देखा, वो आपको मिलेगी जिस संवेदनशीलता से एक लेखक जी रहा है, जैसे वो डे टू डे चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, वही वो उसमें उतारता है, और वही अनकॉन्शियसली या कह रहे सबकॉन्शियसली जब आप लिखते हो तो वो उतर के आती है, वो एक्चुअली आपकी आपकी पेंटिंग होती है जो आपने उतार दी होती है, कि पता नहीं कैसे आया, बस आ गया। एक बात और बताओ यार कार्तिक जी, जनरली जो आपकी मैं किताब में पूरी कहानी है किसान की, और जो पूरी उस किसान नहीं सॉरी जो जो उस गरीब आदमी की पूरी कहानी है, ये जनरली ना 60s, 70s और 40s में जो कहानी होती थी मुंशी प्रेमचंद के, और 2 बीघा जमीन और उस टाइप की जो कहानी हुआ करती थी, ये काफी कुछ वैसी लगती है। लेकिन
आज के जमाने में, और स्पेशली आप तो और मुझसे छोटे हो, आप मिलेनियम जनरेशन वाले लोगों ने शायद उस लेवल की गरीबी के लोगों को नहीं देखा, क्योंकि आजकल उतना गरीब जो मुंशी प्रेमचंद दिखाते थे या बलराज सहनी की पिक्चरों में दिखाया जाता, उतने गरीब किसान भी नहीं होते अब, नहीं अब नहीं होते बिल्कुल। हाँ, तो आपने जो चीज लिखी आपने उस ढंग से लिखा कि आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि 40s 50s या 30s के जमाने का गरीब आदमी जो बिल्कुल बलराज सहनी वाली इमेज सामने आती है। जी जी। तो ये कैरेक्टराइजेशन, ये स्टोरी थिंकिंग कैसे आई, क्योंकि जब तक आप वो चीज देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसको लिखोगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूँ अगेन फिर से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी मुंशी प्रेमचंद का डाई हार्ट फैन रहा हूँ, मतलब जब से मैंने गोदान पढ़ी थी मैं सिसक सिसक के रोया था, मतलब एंडिंग वो देख के, मतलब तो वो जो टच रहा वो हमेशा से रहा है। और मेरा, मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मैं गांव सोचता हूँ तो मुझे मेरे नानी का गांव आता है, और नानी के गांव में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। मैंने सारे दर्जे के लोगों को, मुंशी प्रेमचंद के सारे, कहना चाहिए सारे कैरेक्टर्स को मैंने देखा है, हर कैरेक्टर को देखा है और जिया भी है काफ़ी हद तक, बचपन में जिया है। मैं मेमोरीज के बेस पर ही आज लेके आता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो कॉन्शियसनेस नहीं थी इतनी, मेरी चेतना नहीं थी कि मैं समझ पाऊँ कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन तब मैं उन चीज़ों की थोड़ी सी पकड़ रखता था। तो वो चीज़ एक तो भर गई, तो पहली प्रेमचंद। सेकेंडली भैया, आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ना, सॉरी मैं भैया कह रहा हूँ क्योंकि बड़े भाई हैं, तो नहीं व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं बिल्कुल भैया ही कहूँगा, नॉन प्रोफेशनल। ओके, तो मुक्तिधाम, आप जैसे कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये पहले हुआ करता था 1960s में, 30s में, 40s में, पता नहीं भैया अगर आप या व्यूअर्स न्यूज़ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये जो मैंने बुक लिखी है, या मैं आपको आज ये भेद खोलने वाला हूँ कि ये बुक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका पूरी एक पूरी नहीं लेकिन इसका बहुत बड़ा अंश जो है, इसका बहुत बड़ा जो अंश है मुक्तिधाम को लेकर, जो अंश है जो एंडिंग में जो आप देखोगे, वो बहुत वो रियल लाइफ स्टोरी है। वो 2014 या 15 या 16 के आसपास की वो एक न्यूज़ थी, और वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ थी, बीबीसी तक ने उसको कवरेज किया था, वो उस पर बेस्ड है। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, मैं ब्लूपर्स नहीं छोड़ूंगा इसमें, जैसे कि इंटरेस्ट बना रहे पढ़ने वालों का। तो वो एक सही घटना पर आधारित है, बाकी जो आप अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ हो सकती है शायद कहीं डिफ्लेक्ट हो जाए कि ऑफकोर्स वो एक फिक्शन है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें में जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं से मिलाया हूँ, लेकिन उसमें भी अगर आप गरीबी का कोई एक फैक्टर देख लें, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट का फैक्टर देख लें, डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर देख लें, और अगर आप एक, अब हमारे समाज में आज भी जो, क्योंकि देखिए आज हम 35% बिलोंग करते हैं, हम जो अर्बन जो हमारी पॉपुलेशन है वो 35% है इंडिया की, 65% आज भी रूरल है, आज भी सेमी अर्बन है, आज भी वहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं जिनसे एक गरीब आदमी, जिनसे एक पावरलेस आदमी आज भी जूझ रहा है उन सब चीज़ों से। तो हमें लगता ज़रूर है कि, क्योंकि हम वही देख रहे हैं दिन रात चकाचौंध, हमारे पास वही इंस्टाग्राम की फीड है जिस पर हमें सिर्फ चकाचौंध दिखती है, कभी एक आध न्यूज़ आ जाती है बट वील स्क्रॉल अप फॉर दैट, तो हमें शायद वो उन चीज़ों पर नहीं जा रहा ध्यान। लेकिन मेरे अगेन संवेदनशीलता की बात आती है, मुझे वो न्यूज़ जिस दिन दिखी, पता नहीं क्यों मुझे हिला दिया उस न्यूज़ ने कि यार ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा अपमान किसी के साथ कैसे हो सकता है। और बस वहीं से मेरी कहानी की शुरुआत हुई कि मुक्तिधाम की, सोचने वाली बात है कि अंत समय में भी किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है, और आज के समय में 2016 की बात है, कोई 2016 कोई पुरानी बात नहीं है, 5-6-7 साल कितने हुए, इससे पुरानी बात नहीं है, तो अभी भी मतलब हम उसी एज की बात कर रहे हैं जिसमें हम आज भी हम मॉडर्न मैन बोल रहे हैं, आज भी जिसमें हम स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये है बैकड्रॉप मुक्तिधाम का कि इट्स मोर और लेस ऑफ अ रियल लाइफ स्टोरी, जो तो इवेंट्स काफ़ी सारे आप उसको ड्रॉ करते दिखेंगे जो रियल लाइफ से आ रहे हैं। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है, मतलब कितना आसान हो गया है ना आज की डेट में कि आपको अगर गरीब नहीं देखना है तो आप स्क्रॉल कर दो। आप बिल्कुल क्या बात बोली, बहुत सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली आपको, और चॉइस मतलब स्क्रॉल करने की तो है पर उस चीज को सच्चाई से मिटाने की नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी एक अपने आप में सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपकी वाइफ ने पढ़ी बुक?
हाँ, मेरी तो मेरी पहली रीडर जो थी वो मेरी वाइफ ही हैं। मेरी मेरी शादी हुई 2022 में, जैसे मैंने बताया। मेरी वाइफ नहीं, मेरी वो भी बिल्कुल कच्चे पेज पर, उन्हें मतलब जो मेरा कच्चा ड्राफ्ट था जिसमें मैंने कुछ भी संशोधन नहीं किए थे, कोई एडिटिंग खास नहीं की थी, वो उन्होंने पढ़ी थी। एंड इवन एट दैट पॉइंट उनको वो हार्ट फेल्ट लगी थी। उन्होंने बोला था कि यार यू विल गेट मच सक्सेस, लेकिन एज अ लाइक एवरी डाउटफुल राइटर जो होता है वो कहता है यार किसको पसंद आएगी, मेरे को पता है, नहीं पसंद आएगी किसी को। तो वो उन्होंने बोला तो काफ़ी उनसे मुझे एक प्रेरणा मिली, उत्साह मिला कि नहीं यार आई शुड गो फॉर इट। तो उनका कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा इस चीज़ में कि यार, क्योंकि उनको छुई वो कहानी तो शायद उनको ऐसा लगा कि यार नहीं, दिस शुड बी प्रमोटेड, बिकॉज मैं बहुत रिलक्टेंट हूँ। मैं सोशल मीडिया पे कुछ बातें बोलना है, बहुत कुछ है मेरे अंदर शेयर करने को, लेकिन मैं रिलक्टेंट हूँ सोशल मीडिया, पता नहीं क्यों मैं बहुत रिलक्टेंट हूँ। तो उसी चीज़ में मैं काफ़ी बार रह जाता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं काफ़ी कुछ प्रमोट कर पाया, काफ़ी कुछ इस बार मैंने नए तरीके से मार्केटिंग की। तो हाँ, वेल गुड, उनके अच्छे, उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे यार। अच्छी चीज़ को मैं तो ये मानता हूँ कि हर ऑथर जो है वो अपनी बुक का CEO है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, ये आपका प्रोडक्ट है यार, ये आपका प्रोडक्ट है। बिल्कुल, और अपने प्रोडक्ट को तो आपको मार्केट करना ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। एक किसी ने जब निर्मा बनाया था जी, तो अगर निर्मा को मार्केट में मार्केट नहीं किया हुआ होता, हाँ, तो और आप निर्मा नहीं जानते हैं। नहीं जानते होते, सही बात। ये सोचता कि यार मैं रिलक्टेंट हूँ, मैं निर्मा मैंने बना तो लिया, पर मैं यार मार्केट नहीं करूंगा इसको। बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर वो कभी निर्मा नहीं बनता। और एक अच्छी बात आप ये भी देखें भैया कि आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, मतलब मुंशी प्रेमचंद के पास आपको क्या लगता है कोई मतलब सूंघता भी नहीं था उनको? सोशल मीडिया था, नहीं सोशल मीडिया तो ठीक है भैया, अगर वो चाहते तो वो प्रमोट करते। हम अगर देखते उनकी न्यूज़, अगर मैं खूब, मैंने उनके बारे में रिसर्च की, मैंने उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री खंगाली है, मैं देखता हूँ कि यार उतना जब वो वहाँ थे तो उनकी कोई उतनी वो नहीं थी हैसियत की यार कि लोग उनको बिल्कुल चाह रहे कर रहे हैं। आज हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, और भगवान करे, मैं तो मतलब मैं चाहता था कि काश उन लोगों के पास वो रिसोर्स होते, मैं देख पाता, जान पाता, उनके भाव पढ़ पाता यार, कि प्रेमचंद को एक बार में देख पाता। रिसोर्सेस है, पर मेरा एक हमेशा मानना है, रिसोर्सेस होने के साथ ना रिसोर्सेस यूज करने वाले ही बहुत सारे हैं। बिल्कुल, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मुंशी प्रेमचंद के समय में मुंशी प्रेमचंद या उनके जैसे कुछ गिने चुने ही राइटर्स थे, क्योंकि उनको उतना ही एक्सपोजर था। आज की डेट में रिसोर्सेस होने के कारण राइटिंग मतलब एक सबकी बकेट लिस्ट हो गई है। मतलब मुझे लिखना आता है, नहीं आता है, पर मेरी बकेट लिस्ट में है कि एक किताब तो मेरे नाम पे होनी चाहिए। और वो बकेट लिस्ट वाले कंसेप्ट से ना, जो मुंशी प्रेमचंद जैसे राइटर्स है ना, वो कहीं खो गए। ये बात तो, पर आप मुंशी प्रेमचंद जैसे राइटर हो भाई, बहुत अच्छी किताब है। और सबसे अच्छा मुझे लगा उस बुक को जब मैंने खोला, तो सबसे पहले मुझे शरद सिंह जी का वो जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं प्रीफेस लिखा हुआ है, उनको मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। जी जी, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा था मेरे एक इवेंट में कि आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो। मैंने उनको बोला, उस समय ये बात होगी लगभग शायद आज से 5-6 साल पहले की बात है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सबसे कठिन मेरे लिए हिंदी में टाइपिंग करना है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में हिंदी का कीबोर्ड नहीं है, मुझे तो मोबाइल में भी हिंदी टाइप करते नहीं आती। मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ गूगल के थ्रू, और उससे मैं लिखता इंग्लिश में हूँ और वो हिंदी में टाइप हो जाता है, तो दैट्स वेरी गुड। अभी बिल्कुल आपको यूज करना चाहिए। बिल्कुल, और शरद सिंह का जी तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने अपने बुक लॉन्च में भी ये बात बोली थी कि सबके सामने कि मैं राइटर एज इन राइटिंग सिर्फ इमेजिनेशन और टाइप करने के लिए हूँ, मेरी एडिटिंग, मेरी ग्रामर आज भी पुअर है, मेरी काफी सारी चीजें, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा सराहा है, और उनसे भी ज्यादा मेरे बड़े पापा उमाकांत मिश्रा जी, श्री उमाकांत मिश्रा जी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके काउंटलेस एफर्ट्स के कारण ही मतलब बहुत बहुत कुछ मुझे सफलता मिली पब्लिश करने में, और उस बुक को पूरा तैयार करने में, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने में बेसिकली, तो उनको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है इसके लिए। मैं ना आपको एक बात और बताता हूँ, मतलब आपकी फैमिली से मैं कैसे जुड़ा हुआ बताता हूँ, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता। अच्छा, आपके जो सबसे बड़े पापा हैं श्यामाकांत मिश्रा जी, वो और मेरे पापा दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब इतने क्लोज फ्रेंड थे, मतलब व्यूअर्स को ये बात बताना चाहिए मुझे शायद। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी
ठीक है, श्यामाकांत अंकल पूरे समय मेरे साथ थे, ठीक है, उन्होंने जितने रिचुअल्स होते हैं उन्होंने सब मुझसे करवाए थे, एज ए फादर उन्होंने सब सारा सपोर्ट किया जितना हो सकता था। और आई थिंक मेरे फादर की डेथ के एक महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी, और जब वो सारे रिचुअल्स करवा रहे थे ना तब मुझसे बार बार कह रहे थे कि यार प्रफुल्ल चला गया ना, अब मैं भी यहाँ रुकूंगा नहीं, और एक महीने के बाद ही पास जा गए। वेरी क्लोज फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वेरी वेरी क्लोज, बिल्कुल नहीं पता था, वाओ, ये बिल्कुल नहीं पता था मुझे। और उसमें एक और भी ट्विस्ट है, उनके एक और तीसरे फ्रेंड थे शंकर अंकल, जनरली व्यूअर्स को थोड़ा आज नई चीज सुना रहा हूँ, उनके एक तीसरे फ्रेंड भी थे शंकर अंकल जो हमारे मोहल्ले में रहा करते थे, ही पास्ड अवे आफ्टर 2 मंथ्स। सो ऑल थ्री फ्रेंड्स पास्ड अवे इन विद इन 6 मंथ ऑफ स्पैन, दैट वॉज द स्टोरी। वाह भैया, वाह यार, नहीं बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ, कोई माने ना माने, मैं पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में, और मेरी तो फर्स्ट बुक ही फ्रेंडशिप पर है पूरा, मतलब नाइट आउट तो मेरी इट्स बॉर्न आउट ऑफ फ्रेंडशिप बेसिकली। मेरा जो बचपन से मतलब ऑलमोस्ट ऑफिस एज जो भी एज इस जो 5-10 साल का जो रहता है ये स्कूल हाई स्कूल से लेके आपका ऑफिस तक का आने तक का टाइम वो जो रहता है उसमें मैंने अपने दोस्तों को जिया है, मैंने अपनी दोस्ती जी है, अपनी लाइफ जी है प्रॉपर, मतलब स्टडीज़ मेरा जो भी हाल रहा हो, कचड़ा रहा हो, ये भी रहा हो, लेकिन फ्रेंडशिप बाय फार हैज़ बिन ऑलवेज बिन इन माय टॉप प्रायोरिटी। और ये मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, मेरे पापा के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनकी फ्रेंडशिप उनकी टॉप प्रायोरिटी है, उस बात पर आज भी झगड़े होते हैं मेरे घर में मम्मी पापा के कि आपको फ्रेंडशिप को ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, आपको हर चीज़ में डर होता है। तो वो चीज़ तो मैं बिल्कुल हैंड्स डाउन मैं कहूँगा कि फ्रेंडशिप इज़ समथिंग लाइक, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सीखने मिला है, बहुत ज़्यादा सीखने मिला लाइफ के बारे में। नहीं बढ़िया, अच्छा ये तो आज की जनरेशन में मतलब जनरली सब लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं जी, ये और हो भी गया है क्योंकि आजकल इंग्लिश में लिखना ईजी हो गया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब लोग इंग्लिश शेक्सपियर वाली एक्सपेक्ट नहीं करते। आपने हिंदी में लिखने की कैसे सोची, कहां से दिमाग में आया कि हिंदी में लिखूं? बस मेरी बकेट लिस्ट क्या है, मेरी बकेट लिस्ट है कि मैं बुंदेलखंडी में लिखूं, और फ्रेंकली बता रहा हूँ कहानी रेडी है, कहानी रेडी, मैं आज अपने व्यूअर्स सामने उस कहानी का नाम भी बताता हूँ, उस कहानी का नाम है तेंदुपत्ता। ये कहानी मैं कई लोगों को सुना चुका हूँ, तेंदुपत्ता की कहानी क्या होगी, मैं कहानी भी लोगों को कई लोग बता, लोग जो कह रहे हैं लिखो, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है, कह रहा हूँ हिंदी में टाइप करना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं बाप रे, नहीं अगर भी आइडिया आया तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा, मैं तो खुद चाहता हूँ, पर्सनली मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड का नाम हो, बुंदेलखंड की जो पुरानी उसकी कीर्ति थी, उसका जो प्राउड मोमेंट था बुंदेल राजा के टाइम पर, वो फिर से वो कीर्ति लौट के आए, तो हम आप जैसे लोग, आप तो मतलब अपने जीते जी ना मैं वो तेंदुपत्ता कहानी लिख के जाऊंगा, बिल्कुल ये मेरी बकेट लिस्ट में है, मैं जरूर लिखूंगा इसको, आप वो पता नहीं कब लिख पाऊंगा पर लिखूंगा जरूर उस किताब को। नहीं चलो आप वापस क्वेश्चन पे आते हैं, आज का शो आपका है, हमारी तेंदुपत्ते की बात बाद में करेंगे। तो ये मुक्ति धाम मतलब हिंदी में लिखने का कैसे सोचा, दुबई में रहते हो यार, मतलब आधे टाइम तो इंग्लिश ही बोलते हो, फिर भी बिल्कुल हिंदी, वो भी बिल्कुल कंठस्थ मतलब कसी वाली बोलते हैं, बिल्कुल खतरनाक वाली हिंदी में लिखने का कैसे सोचा? देखिए तो हिंदी से मतलब रुझान तो मतलब अगेन वो प्रेमचंद पर ही बात जाती है बार बार कि वो प्रेमचंद को पढ़ा है मैंने, तो वहाँ से एक जो आई स्टोरी और उसके बाद जो वो मैंने सीन देखा तो मैंने कहा यार इसको 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 मैं मातृभाषा में नहीं लिख सकता ना, तो मैं किसी और चीज़ में नहीं लिखना चाहूँगा, ये मुझे अपनी हिंदी में ही लिखना है, क्योंकि इसका जो भाव है ना, क्योंकि फ्रेंडशिप, चलो आज फ्रेंडशिप में मैं अपने नाइट आउट की बात करता हूँ, मैं उन फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ जो हमारे कॉस्मोपॉलिटन लाइफ जीते हैं, जो है ना मेट्रोपॉलिटन लाइफ जीते हैं, जो शहर की इंग्लिश बोलते हैं, जो काफ़ी सारी ज़ुबानों में बात करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा टॉपिक आता है, जब कोई सोसाइटल टॉपिक आता है और ऐसा टॉपिक जो हमारे इंडिया के हार्ट से जुड़ा हुआ हो, हमारे इंडिया की रियल सोसाइटी से जुड़ा हुआ, उस पर मुझे लगा कि यार अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा ना तो मैं उसके साथ एक जस्टिफिकेशन जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा यार, कि यार ये मैंने इसको सही किया, इसके इस पूरी कहानी के साथ मैंने सही किया, तो मैंने इसलिए हिंदी को चुना कि यार मैं
इस कहानी को, बाकी कुछ और मैं किसी भी लैंग्वेज में लिखूं, इस कहानी को तो मैं अपनी मातृभाषा में हिंदी में ही लिखूंगा। और वहां से मैंने फिर वो स्टार्ट किया, तो बिल्कुल वो चीज़ वहीं आती है कि बस अंदर से एक था कि मुझे हिंदी में ही उसको एक्सप्रेस करना है। पर एक बात बताओ, मतलब जैसे कि मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, ठीक है, मतलब आज की, अब मेरे बच्चे ही नहीं, मतलब मैं कई बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी स्कूल्स कॉलेज में जाता रहता हूँ सेशंस वगैरह लेने के लिए। हाँ, एक जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है आज की जनरेशन में, वो हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों या तो चाहते नहीं है या भूल गए। स्पेशली कोविड टाइम में तो के बाद तो ना, मतलब बच्चों ने कॉपी पेस्ट करने का तो ना वो कर लिया कि अब हिंदी पढ़ना भी उनके लिए कठिन, वो हिंदी से दूर भागते हैं। मैं आपको उसके वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे और हिंदी में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब इस टाइम, इस मोमेंट में, इस जनरेशन में जहाँ लोग हिंदी पढ़ना नहीं चाह रहे, तो आपको ये दिमाग में नहीं आया कि यार ये नई जनरेशन कैसे पढ़ेगी या पढ़ेगी नहीं? भैया सच बताऊँ तो मतलब काफ़ी हद तक मैं, मतलब नो ऑफेंस टू माई रीडर्स और व्यूअर्स, मुझे बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। I wanted to write this story and I wanted to bring it out in public. I wanted कि यार ये चीज़ बाहर जाए। यही मैं सुनना चाह रहा था। बस ये मेरा फोर्स सुनना चाह रहा था। यही मेरा फोर्स था। सुनना चाह रहा था। जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से मैं यही सुनना चाह रहा था। आपने लिखी ना, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा, रीडर्स अगर आप नहीं पढ़ते हो ना हिंदी, तो आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखना चाहिए कि यार हमारे शब्दों में कितनी गहराई है। बहुत ज्यादा। और हम उन गहराइयों से क्या कुछ समझ सकते हैं और कितना संवेदनशील हो सकते हैं। बिल्कुल। वो गहराई हमको हिंदी में मिलती है। एक और बात बताऊंगा, आपने बहुत बढ़िया काम किया। एक बात और बताऊंगा कि ना, मैं आपको अगर एक कोई कहानी इंग्लिश में सुनाऊं और एक कोई कहानी हिंदी में, मैं सिर्फ अभी इंडियन फोकस की बात कर रहा हूँ, हमारे हिंदी बोलने वाले लोगों की, और मतलब जनरली इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको एक इंग्लिश कहानी दूं और एक हिंदी कहानी दूं, तो पढ़ने के साथ साथ अगर शब्दों का सही मेल बैठे तो हिंदी की आपको ज़्यादा टचिंग महसूस होगी। अगर आप हिंदी को करेंगे तो हिंदी में आप उसके हार्ट को टच करके वापस आ सकते हैं। इंग्लिश में शायद कहीं कोई अंश रह जाए, वो चूक जाएगा। क्योंकि याद रखें, हम मदर टंग इसलिए नहीं बोलते कि सिर्फ हमारी मातृभाषा है, वो मदर टंग इसलिए भी है कि इसके सिवा आपने कुछ बोला भी नहीं है कभी ज़्यादा। इस यही आप डे टू डे पे यूज़ करें। इंग्लिश आप कितनी यूज़ करते हैं, किसी एक दोस्त के साथ, कभी कंपनी में बॉस के साथ, लेकिन हिंदी हमारे अंदर बसी हुई है। मैं एक बात बताऊं, शेक्सपियर की प्लेज जो है, चाहे वो ऑथेलो हो या और भी कई प्लेज हैं उनके, वो आपने इंग्लिश में भी देखे होंगे, आपने हिंदी में भी देखे होंगे, दोनों उसमें मजा आता है ना। आपको हिंदी में भी उतना ही मजा आता है इतना इंग्लिश में उन प्लेज को देखने में मजा आता है। लेकिन क्या कभी आपने रामायण को और महाभारत को इंग्लिश में देखा है और क्या उतना मजा आया? गहराई है ना, वो हमारे संस्कृत और हिंदी के शब्दों से ही बाहर आती है। बिल्कुल भी। आप इंग्लिश में, फ्रेंच में, किसी भी भाषा में अगर रामायण और महाभारत को दिखा दोगे ना, वो पहचान, वो गहराई आएगी ही नहीं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। वो जो भाव है, जो ठहराव हमारी लैंग्वेज में, जो एक एक्सप्रेस कर, और एक 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 वो एक उदारता टाइप की, एक मतलब बड़ा रिस्पेक्टफुल टोन है हमारी। आप देखो, मतलब कोई बड़ा ही, मतलब एक दिल से दिल का एक समझ में आता है। पता नहीं, आप शायद ऐसा है कि शायद अपन इंडियन है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जब भी वो हिंदी में कोई बात करता है, मैं यहाँ पर दुबई में रहता हूँ, कभी कोई क्लाइंट होता है, अचानक पता चलता है कि ही कैन स्पीक हिंदी, है ना, वो मतलब थोड़ी बहुत जानता है, तो कॉन्वर्सेशन जो यहाँ चल रही होती है, हाई पिच, हाई टोन, हाई प्रेशर, और जैसे ही वो स्विच होती है हिंदी में, इट्स लाइक हेयर, इट्स लाइक डिल टू डिल, इट्स लाइक कि मतलब वो ऑरा ही बदल जाता है। वो मैं जो बात कर रहा होता हूँ, जो डिलीवर कर रहा होता हूँ, वो ऐसे बदल जाता है और उसका पूरा मीनिंग चेंज आता है, और सामने वाला बिल्कुल ऐसे फील करता है कि यार बस लाइक दिस इज परफेक्ट यार, तो कोई घर का बात कर रहा है मुझसे। तो ये जो चीज़ है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा। तो अगली बुक क्या है, हिंदी इंग्लिश? अगली बुक, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दो बुक्स हो चुकी हैं जैसे मैंने बताया, और मैं एक खुद के साथ एक कमिटमेंट ले चुका हूँ कि हर साल फ्रॉम 2022, अब हर साल एज लॉन्ग एज आई लिव, मैं एक बुक तो मिनिमम पब्लिश करूँगा ही करूँगा। तो थर्ड बुक है मेरी, मैंने ऑलमोस्ट ब्रॉडकास्ट कर दिया है कि थर्ड बुक एक कलेक्शन ऑफ एसेज होगा। मेरे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, सोसाइटी, अपने यूथ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर मेरे पास ओपिनियन है,
जो भर भर के बाहर आते हैं, भर भर के आते हैं। तो इंग्लिश में कि हिंदी में? इंग्लिश में उन एसेज को मैंने इंग्लिश में किया है। वो इंग्लिश में आई बात क्योंकि उसका टारगेट मतलब कुछ और रखा है मैंने, तो नहीं लेकिन पढ़ सभी सकते हैं क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी कुछ ऐसी नहीं है कि आप अगर आप एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इट्स गोइंग ऑफ ऑफ योर हेड। इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि इंग्लिश में वही लिखता हूँ जो मैं बोल पाता हूँ, और जो मैं बोल पाता हूँ मैं वही लिखता हूँ। मैं बड़ा क्योंकि मैं बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश में बात करता हूँ, तो मेरे पास कुछ भी है भाई। एग्जैक्टली मतलब मेरे को कुछ फ्लावरी नहीं रखना है कुछ भी, तो बस वो चीज़। अब तो थर्ड बुक है एक कलेक्शन ऑफ एसेज रहेगा, तो उस पर काम जारी है बस। मतलब आज हम 27th 28th की तारीख पर बैठे हैं, और मैंने शायद 10,000 words लिख लिए होंगे। मेरा टारगेट है हर डे में 1,000 words का मेरा टारगेट रहता है, तो मैं पीछे चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि थोड़ा सा हाई टारगेट रखा है जिससे कि मैं कम से कम कुछ ना कुछ तो मिनिमम कर दूँ। तो विद इन नेक्स्ट 2-3 months आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिश इट, एंड देन प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ दिस ईयर अगेन वही नवंबर के टाइम पर मैं उसको पब्लिश करने का सोचा है मैंने। गुड, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा, 5 किताबों के नाम। अच्छा, जो आपके फेवरेट है? मेरी किताबों के नाम। वाह, उसको अपन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो भी रखेंगे। टॉप 5 मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मेरी बहुत मतलब बुक्स रीडिंग का मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा ही शौक है। अगर मुझे सोचना पड़े तो माय गॉड, ठीक है। तो पहली बुक होगी ऑफकोर्स मुंशी प्रेमचंद की गोदान, और दूसरी बुक होगी द ब्रदर्स करामज़ोफ बाय फ्योदोर दोस्तोवस्की, और तीसरी बुक अगर होगी तो वो होगी द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग ब्रॉनी वेयर, और चौथी बुक होगी द अल्केमिस्ट, और अगर पांचवी होगी तो वो होगी रश्मि रथी। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। द अल्केमिस्ट का मेरा पता है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है जी, मतलब मैं बहुत टाइम से रीड करने का सोच रहा था पर कुछ ना कुछ होता था, टाइम नहीं मिल रहा था जी। तो मैं बीच में ना, मेरा ऑफिस गुड़गांव में था। हाँ। तो मैं रोज सुबह नोएडा से गुड़गांव जाता था ड्राइव करके। राइट। तो मैंने एक्चुअली ऑडिबल में डाउनलोड कर ली अल्केमिस्ट, और मेरे ख्याल में शायद 2 या 3 दिन में जब मैं ऊपर नीचे हुआ नोएडा से गुड़गांव, बस निपटा दी। अरे वाह। तो मैंने एक्चुअली अल्केमिस्ट मैंने रीड नहीं करी, मैंने ऑडिबल पर सुनी है। वाह, वाह। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं उसको रीड करूँ, क्योंकि कभी कभी ना कुछ बुक्स होती हैं बिल्कुल, जो बिल्कुल सुनने के बाद ना फिर रीड करने का मन करता है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ना द एटॉमिक हैबिट्स मैंने बहुत बहुत प्यारी बुक, आई थिंक 80% मैंने सुन ली थी ऑडिबल पे। लव इट, बिल्कुल। पर मुझे लगा कि ना ऐसी बहुत सारे उसमें कंटेंट है ना जो मुझे अंडरलाइन करने हैं या मुझे कलर पेंसिल्स पे मार्क करना है, तो मैंने ऑर्डर करके मंगाई है, मैं उसमें कलर पेंसिल से मार्क करूंगा रीड करके। बिल्कुल, वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ गुड बुक, गुड चॉइस। अच्छा, मेरा क्वेश्चन रहेगा ऑडियंस को, आप बताओ कि मुक्तिधाम क्यों पढ़ना चाहिए? मुक्तिधाम देखिए, ऑफ कोर्स वही बात है कि इंडिया को जानना है ना, तो इंडिया की कहानियों से ही हमें कुछ जानकारी सच मिलती है, कि कहानी से ही हम विश्वास कर पाते हैं कि यार कि फिक्शन लाइफ और एक रियल लाइफ में क्या चल रहा होता है। तो न्यूज़ तो आप देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, लेकिन कई कई बार जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं, मैं जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, जो ऐसे विषयों पर लिख रहे हैं, जो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं जो हमारे रियल इंडिया को, कोर इंडिया को टच करती है। और शायद मेरी मुक्तिधाम भी कहानी वैसी ही है जो कोर इंडिया को टच कर रही होती है, जो ऐसे इश्यूज़ को टच कर रही होती है जिन पर हम तुम और मतलब आज की जनरेशन, तो मतलब उनके लिए तो वो एक पैरेलल, कोई एक पैरेलल वर्ल्ड है, उनको तो पता भी नहीं कि यार पैरेलल यूनिवर्स है कहें, कि उनको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है। अगर आप उनको ऐसी कुछ कहानी बताएंगे तो दे वॉन्ट इवन बिलीव इट, बिकॉज दे आर लिविंग इन एंटायरली डिफरेंट यूनिवर्स जो हम देख रहे हैं, जो हमारा आज का सोशल मीडिया का वर्ल्ड हो, चाहे हसल कल्चर हो, चाहे यू नो फेम सक्सेस कुछ भी पाने के लिए। तो मुक्तिधाम इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उस कहानी से आपको सबसे पहले तो एक संवेदनशीलता मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि यार कैसे हम वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है हिस्ट्री में और हम करते जा रहे हैं, और हम आज भी उसके शिकार बन जाते हैं, आज भी हम वही डिस्क्रिमिनेशन किसी से कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इंडिया को बेटर जानने के लिए, हमारे उस
तबके को जानने के लिए जो आज भी ऐसी चीज़ों से गुजरता है, उससे रूबरू होने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है जिसको हर किसी को मैं पढ़ने को रिकमेंड करूँगा। मैं इस बुक को इसलिए रिकमेंड करूँगा दो रीज़न से। जी, एक तो अगर आपको वापस मुंशी प्रेमचंद या उस लेवल की कहानी पढ़ने का किसी को इच्छा है तो ज़रूर पढ़ सकता है। जी, दूसरी चीज़ मैं इसलिए इस बुक को रिकमेंड करूँगा, जब मैं क्योंकि जनरली बुक से थ्योरीज निकालता हूँ, मैं किसी बुक का रिव्यू नहीं देता, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से कोई बुक खराब नहीं होती, हर बुक बेस्ट होती है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। और इस बुक में से जो मेरे को थ्योरी मिलती है ना, जो बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन को या किसी को भी पढ़ने की, हम दिन भर न्यूज़ में देखते हैं कि यार इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, यहाँ पे इस किसान ने आत्महत्या कर ली, इतने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। कहीं मैं एक दिन ना बैठा हुआ था, वहाँ पे बहस चल रही थी कि यार गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, किसानों को लोन देती है फिर लोन माफ़ कर देती है वोट के लिए। लेकिन जब आप ऐसी किताबों को पढ़ते हो तब आपको एहसास होता है कि गरीबी क्या है, उस गरीबी में इंसान का व्यक्तित्व क्या है, उसकी सोच क्या है, और कैसे वो एक बार शायद खीर बनाने का जिक्र है, हम शायद दिन में हम हर दिन खीर बना के खा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो व्यक्ति जिसने शायद अपनी ज़िंदगी में एक बार खीर खाई हो, ऐसे लोगों के ऐसे व्यक्तित्व को जानने के लिए, उन परेशानियों को जानने के लिए, उस संवेदना को महसूस करने के लिए एटलीस्ट लाइफ में एक बार ऐसी किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना। थैंक यू भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने बुक लॉन्च में ये बात ज़रूर कही थी कि मैं इस किताब को लिखते लिखते रोया हूँ, एडिट करते, मतलब एक टाइम तो ऐसा आता है ना कि अगर आप एक न्यूज़ को एक बार देख लो तो रोना आता है, दूसरी बार देख लो तो रोना आता है, पांचवी छठवीं बात के आंसू सूख जाते हैं। मैं पांचवीं छठवीं बार तक भी अपनी बनाई कहानी पे रो रहा हूँ, मतलब इट्स अ वेरी डिकोटोमस कि यार मतलब समझ में नहीं आता कि यार मैं क्यों रो रहा हूँ, ये तो फिक्शन है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो लिखते लिखते वो आ रहा है रोना। तो मैंने वही बोला था कि ये एक संवेदनशीलता है, क्योंकि मुझे रोना आया तो मैं चाहता हूँ आपको रोना है, मैं इसलिए नहीं चाहता आपको रोना है कि मैं एक सैडिस्ट हूँ, मैं इसलिए नहीं चाहता कि आप भी दुखी हो जाएं, दुखवादी बने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर एक संवेदनशीलता जागे। सबसे बड़ा एक मिसिंग कुछ है हमारे आज के हम सबके रिलेशनशिप्स में, वो तो एक संवेदनशीलता है। हम क्यों इतनी जल्दी ब्रेकअप कर रहे हैं, हम क्यों इतनी जल्दी एक दूसरे से रूठ रहे हैं, हम क्यों एक दूसरे से इतनी जल्दी खफा हो रहे हैं, क्या बात है? तो मैं उसका वही पॉइंट बताना चाहता हूँ कि संवेदनशीलता की कमी है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि सामने वाला आपका ये पार्टनर की को प्रॉब्लम क्या है। लाइक यू आर गुड एट क्रिप्टो करेंसी, यू आर गुड एट दिस थ्योरी एंड दैट थ्योरी, और आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसके में क्या है। क्यों? क्योंकि आपकी वो संवेदनशीलता का आपको जो पर्दा है वो स्क्रॉल वाली लाइफ है, बस स्क्रॉल वाली स्वाइप करने वाली लाइफ, बस लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। आप ये नहीं जानना चाहते कि किसमें क्या संवेदनशीलता, आप ये जानते हैं कि इसको स्वाइप करो अलग करो। बिल्कुल। मजा आ गया बात करके, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भैया, बिल्कुल ऑनर को जरूर पढ़ें लोग इस बुक को। मैं इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो जाइए पढ़िए, बहुत छोटी सी किताब है, बहुत प्यारी सी किताब है। और कार्तिक, अगर तुम ऑफलाइन मेरे साथ होते तो तुमको बुक डांस करवाता, इसलिए तो मेरे बुक डांस से बच गए, वरना जो भी मेरे शो पे आता है वो बुक डांस जरूर करता है। बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, जब नेक्स्ट टाइम आपके पास दिल्ली आऊंगा तो बिल्कुल करना चाहूंगा। और बिल्कुल हम बुक डांस करेंगे तब। हाँ बिल्कुल, और एक मैं लिविंग नोट भी देना चाहूंगा कि मैं ऑफकोर्स मैं अब राइटिंग से रुकने नहीं वाला हूँ, और राइटिंग के डिफरेंट पैराडाइम में जाने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझसे लोग जुड़ें। ऑफकोर्स जुड़ें, इसलिए नहीं जुड़ें कि मेरी बुक खरीदे, ये करें वो करें कोई प्रमोशन के लिए, मैं उतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ कि मुझे फेम का उतना कुछ है, बस मुझे ये है कि लोग मुझसे जुड़ें, बिकॉज आई हैव रियली गॉट सम आइडियाज, और मैं आई एम डाइंग टू शेयर इट विद एवरीवन। लाइक दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर हाफ ऑफ माई टाइम, मैं लोगों के साथ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, कुछ जो मुझे आता है वो एक वो मुझे शेयर करने का है। तो दोज थिंग्स आई शेयर इट ऑन माई वीकली द सनी संडे न्यूज़लेटर। तो अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं हिमांशु भैया, और मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड आई विल डेफिनेटली बी इन टच विथ यू एंड कीप सेंडिंग यू दोस सनी संडे न्यूज़लेटर्स। लो ठीक है गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और कार्तिक की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, फॉलो हिम, उसके न्यूज़लेटर्स पढ़ो, उसकी बुक ऑर्डर करो, ये बुक बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड बाय मी।
मैं बहुत कम बुक्स है जो सीरियसली रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, और कंसेप्ट भी वही है, हम बुक्स एंड थ्योरी में वही बुक्स लेके आते हैं जो बुक्स सीरियसली अच्छी होती है। मैं खुद पहले 10 बुक्स पढ़ता हूँ, फिर सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए आनी है। तो गाइज डोंट मिस इट, इस बुक को ज़रूर पढ़ के देखिए, मुक्तिधाम आपको आंखें नम जरूर कर देगी। तो थैंक यू कार्तिक फॉर बीइंग ऑन द शो ऑफ बुक्स एंड पॉडकास्ट, मजा आ गया बिल्कुल। थैंक यू सो मच भैया, ओके भैया, बाय बाय।